पर विराजमान मैंने कई दफा पहले कह दिया था, आज फिर दोहरा रहा हूं, ये जोड़ी थी, एक तो भाग गया तो फिर आ गया। शुक्र है खुदा का कि उसको अकल आ गई, आ गया। आपको देख करके और भी कुछ भूले भटके जो रास्ता भटक गए थे वो पुनः आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, आप उन्हें पुचकार लो। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक इस बात को लेकर के लड़ाई लड़ते रहे थे कि इस देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे, और जो सरकार ये सब करने में सफल ना हो फिर जनतांत्रिक तरीके से उस सरकार को बदल दिया जाना चाहिए। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे, राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए लगन और मेहनत से काम करे। लेकिन जो सरकार ये सब ना करे उस सरकार को बदल देना चाहिए। सरकारें तो बदलती रहती हैं लेकिन नीतियां नहीं बदला करती। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने पिछली दफा मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद एक घोषणा की थी कि जिस किसी साथी को कोई तकलीफ हो वो मेरी कोठी पे आके दरख्वास्त दे, मैं उसकी मदद करूं। साथियों, संयोग से मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास था। मैंने गौर से देखा मुख्यमंत्री की कोठी सुनी पड़ी थी, वहां एक भी आदमी नहीं था। मैंने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुला करके पूछा कि भाई मुख्यमंत्री निवास तो सुना पड़ा है, लोग आते नहीं है क्या? तब लोगों ने मुझे बताया क्या करे कोई यहां आकर के, काम तो किसी का होता नहीं और जो कोई दरख्वास्त लेकर के आता है पुलिस वाले पीट करके उसे जेल भेज देते। मैंने उसी दिन से मन में ठान ले कि अगर कभी सरकार बनाने का अवसर मिला तो मैं इस नीति को बदलूंगा। आपके सहयोग और समर्थन से हमें सरकार बनाने का अवसर मिला और मैंने अपने मन में ठानी हुई उस बात को क्रियान्वित किया। पहली कलम से मैंने ये फैसला लिया कि अब लोगों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं, सरकार लोगों के पास जाएगी। मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं, हम साल में एक एक गांव में जाया करता था और गांव के लोगों की तरफ से जो मांग रखी जाती वो आपकी मांग मानी जाती थी या नहीं मानी जाती थी। मैं आज आपसे फिर निवेदन करने आया हूं, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आप लोगों को एक नया निर्णय लेना है। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, मंच पर आपने देखा समूचे भारतवर्ष के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता आपके सामने बैठे हुए थे और सबने ये मन बनाया हुआ है
कि इसको शासन का अंत किया जाए। आज कोई सरकार नहीं है, ये तो लुटेरों का एक गिरोह है जो दोनों हाथों से देश की संपत्ति को लूटने पर लगे हुए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।